It exclusively presents Indian Paranormal Podcast Arsh aur Rahul ke saath. Welcome to Indian Paranormal Podcast, a podcast about everything paranormal that you wanted to know but never did. मेरा नाम राहुल है और मेरे साथ है अर्श जो कि खुद एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग एक वेस्टर्न एजुकेशन के बैकग्राउंड से आते हैं और बेसिकली वी आर ट्रेन्ड टू बी अ स्केप्टिक, तो यू नो शायद हमारी पढ़ाई या हमारी समझ इस बात की इजाज़त नहीं देती हम भूत प्रेत जैसी चीज़ों को, ये भूत प्रेत मैंने सुना है, हम लोग बचपन से फिल्में देखते आ रहे हैं, तरह तरह के सीरियल देखते आ रहे हैं, बट मैं कभी इसको लॉजिकली यू नो इसके साथ पीस नहीं बना पाया, कंसेंसस नहीं बना पाया। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ इन अ वेरी बेसिक सिंपल वे, आप बहुत आसानी से अगर बता सके, मुझे समझा सके, तो आत्मा बेसिकली होती क्या है और क्या फ़र्क है आत्मा में, प्रेत में, भूत में, पिशाच में, जो अलग अलग चीज़ें, अगर फ़र्क है तो? राहुल बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं इंग्लिश में ही समझा देता हूँ ताकि सबको बहुत इजी हो जाए। आत्मा, प्राणात्मा, जीवात्मा, अगर हम इसको छोड़ के बात करते हैं सोल और स्पिरिट की, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि उसकी सोल चली गई, उसकी स्पिरिट को मैंने देख लिया। शायद आपने भी कई बार सुना होगा इसे। सुना है एग्जैक्टली। मान के चलिए मैं आपसे पूछूँ कि सोल और स्पिरिट में क्या फ़र्क होता है, तो आप बता पाएंगे? ऑब्वियसली मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नहीं हूँ, जस्ट अ क्यूरियस माइंड, बट आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि सोल इज ए यूनिवर्सल थिंग, स्पिरिट एक सब्जेक्टिव इंडिविजुअल थिंग होती है, दिस इज जस्ट अ रॉ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगेन मैं उतना ही कहूँगा जितना मुझे पता है, शायद दुनिया में इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो, पर सोल और स्पिरिट के कॉन्सेप्ट को जब मैंने जाना, उसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि सोल बनती है तीन चीजों से, बॉडी, एनर्जी और हमारा माइंड, और स्पिरिट हमारा अनकॉन्शियस माइंड होती है विच इज अनएक्सप्लोर्ड, जिसको कभी एक आम सी भाषा में हम आपको बोले हैं, हमारे दिमाग के तीन हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी सोल है जिसको हम एक्सप्लोर कर पाए हैं, लेकिन जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है जिसमें न जाने कितनी यादें भरी हुई हैं, वो हमारा स्पिरिट है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सोल और स्पिरिट में, जो कि शायद बहुत कम लोग इसको नोटिस करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक सी लगती हैं सबको। तो अर्श, जब इंसान की मौत होती है, जब उसका देहांत होता है, तो उसके शरीर से जो निकलता है वो क्या निकलता है, वो सोल निकलती है या वो स्पिरिट निकलती है? जब किसी इंसान को जलाया जाता है, कह सकते हैं जब उसका अंतिम संस्कार होता है, जब एक आखिरी वक्त होता है उसका, ऐसा कहा गया है कि जब हम मरते हैं, क्योंकि मरने के बाद की ज़िंदगी तो मैंने भी नहीं देखी टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जो हमारे स्क्रिप्चर्स, जो हमारे वेदास कहते हैं वो ये है कि अंतिम संस्कार के दौरान ऐसी ऐसी क्रियाएँ होती, शायद आपने कपाल क्रिया का नाम सुना होगा कभी, शायद आपने कई सारे गाँव में ऐसी क्रियाएँ होती हैं जहाँ पर इंसान के पैर में एक बड़ी सी कील गाड़ देते हैं, वहां पर ये सब एक रिचुअल है, अलग अलग तरीके के रिचुअल। लेकिन अगर मैं अंतिम संस्कार की डायरेक्ट बात करता हूं आपसे, कि जब वो संस्कार हो जाता है तो उसके सर पर, उस शव के सर पर चंदन की लकड़ी से हल्का सा मारा जाता है उसके अजना चक्र पर, जो कि हमारे माथे के बीचों बीच होता है, दोनों भाव के बीचों बीच होता है एक तरीके से, जहां से हमारी सारी यादें एक साथ संचालित होती हैं या चलती हैं। वो इसलिए मारते हैं ताकि मेमोरी जो है, जो इंसान की मेमोरी है, उसने अपने पूरे जीवन में जो मेमोरी कलेक्ट करी है, वो मरने के बाद उसके साथ ना जाए। कमिंग टू द टॉपिक, जब इंसान मर जाता है उसका शरीर तो जला दिया गया, राइट? मैंने सोल और स्पिरिट के कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा कि शरीर तो जला दिया गया, माइंड भी जल गया, तो बॉडी और माइंड तो चले गए, बची क्या? एनर्जी, एनर्जी एंड स्पिरिट, राइट? ये दो चीज़ें बचती हैं। एनर्जीज को कभी ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, वो बस एक फॉर्म ले सकती है, ये हम सब ने सुना है। यही एनर्जीज जब प्रबल इच्छाओं के साथ ख़त्म होती है, किसी इंसान की याद जो
अगर उसने कुछ सोच रखा है मन में और कोई एक प्रबल याद है उसके पास और उस याद के जरिए ही वो मर गया, तो उसकी जो ऊर्जा है वो कोशिश करेगी एक फॉर्म लेने का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस होगी, उसका शरीर नहीं है, उस ऊर्जा को जगह चाहिए। वो कोशिश करेगी कि वो उसी इंसान की फॉर्म ले ले जिसको हम कहते हैं हमने भूत देख लिया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है भूत का। वो दरअसल एनर्जीज होती हैं जो अपनी झलकियां देती हैं, जो अपने होने का एक सबूत देती हैं। आपने कई बार सुना होगा जब किसी की डेथ हो जाती है तो आपने ये भी सुना होगा कि मुझे उनके जाने के बाद वो कई दिनों तक दिखे जी उसी बेड पर, अक्सर लोग कहते हैं। एग्जैक्टली। और मैं उस टॉपिक को कट करता हूं और सीधा आता हूं स्पिरिट के टॉपिक पे। स्पिरिट इस दुनिया से जाती है, जैसा कि गरुड़ पुराण में भी कई सारी चीजें वर्णित हैं, लेकिन मैं गरुड़ पुराण के कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा आगे नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता है। स्पिरिट इस दुनिया से जाती है और वो चली जाती है, वो रुकती नहीं, उसे जाने में जितना भी समय लगे। हाँ, अंतिम क्रिया के दौरान आपने देखा होगा कि पैर के अंगूठे में सूत का धागा बांधा जाता है। जब भी कोई मरता है तो उसके दोनों पैरों के अंगूठे बांध दिए जाते हैं और उसके बाद उस इंसान को जलाने के लिए ले जाया जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वो स्पिरिट का, उस स्पिरिट का वो एक यम पाश होता है, वो एक पाश होता है जिसे यमदूत लगाते हैं, क्योंकि जब उस पाश को लगाया जाता है, हमारी आम दुनिया में जब उस धागे को अंगूठे से बांधा जाता है, तो जो पंडित होता है, जो मंत्र पढ़ता है, वो यमदूतों को बुलाने का पड़ता है और इसके बाद ही स्पिरिट इस दुनिया से जाती है। फिर जैसा वर्णित है कि एक नदी क्रॉस करके जाना होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में फिर हम आगे बात करेंगे, पर बेसिकली सोल और स्पिरिट का कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ पे एक ना बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है अर्ज, कि एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग अकेले जिंदा जीव हैं नहीं इस दुनिया में, तमाम किस्म के जानवर हैं। तो जानवर मरता है और इसी मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जब हम इंसान मरते हैं, चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो, जब इंसान मरता है तो उसमें तमाम किस्म की अंतिम क्रियाएं होती हैं। हमारे में हिंदुओं में अलग एक है, मुस्लिम्स में अलग है, क्रिश्चियनिटी में अलग है। तो अर्श, ये जो अंतिम क्रियाएं होती हैं, अभी आपने जस्ट एक कपाल क्रिया का भी मेंशन किया था और अनफॉर्चुनेटली मैंने भी रिसेंटली घर में कुछ डेथ्स वगैरह देखी हैं जी, तो ये अंतिम जो क्रियाएं होती हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर ये ना की जाए तो फिर उसका परिणाम क्या होता है, नतीजा क्या होता है? मेरे हिसाब से उसका परिणाम तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कहते हैं कि हर एक चीज का एक प्रोसेस है, एवरीथिंग इज अ प्रोसेस, जो भी हो रहा है वो एक प्रोसेस में है। मेरा सवाल इसी में एक एड ऑन और है अर्ज, कि प्रोसेस है, आपने जिस बात बोली, exactly. ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ इंसान के इमोशनल सेंड ऑफ के लिए है कि इंसान, क्योंकि भाई घर का कोई करीबी मरा है तो उसको अच्छा फेयरवेल दे जी, सिर्फ इसलिए है, या इन चीजों के कोई एग्जिस्टेंशियल मीनिंग भी है? एनर्जी से भी इसका कुछ लेना देना होता है? एनर्जी से बिल्कुल लेना होता है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण जब आप देखते हैं कि अंतिम क्रिया बड़े ही तरीके से की जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप तरीके से नहीं करेंगे तो वो भटकेंगे, बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके की, पर आप अगर आम जिंदगी में उसी चीज को देखें, उदाहरण के तौर पे मुंडन तो आम इंसानों का भी होता है, राइट? कोई भी इंसान को अगर बाल में दिक्कत है उसने मुंडन करा लिया, इट्स ओके, पर वही मुंडन अंतिम संस्कार के दौरान भी होता है। वही मुंडन जब एक बच्चा पैदा होता है उसके 1.5 साल के बाद भी होता है। बालों का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, बाल अर्पण करने का। कहा जाता है कि हमारे शरीर में, जैसे कि टॉपिक चल रहा है पैरानॉर्मल और नॉर्मल का, तो हमारे शरीर में न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो पैरानॉर्मल है। सुन के अजीब लगा? पैरानॉर्मल है, बिल्कुल, शरीर के अंदर, बिल्कुल विजिबल है, विजिबली पैरानॉर्मल। एग्जैक्टली। अब एग्जाम्पल देके बताएं, या ये कह लें कि विजिबली पैरानॉर्मल कीपर है। उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे बाल, हमारे सर के बाल और हमारा पैर का अंगूठा। ओके, ये पैरानॉर्मल है आप कहना चाह रहे हैं? अगेन मैं फिर से कहूंगा कि पैरानॉर्मल इज समथिंग विच इज बियॉन्ड ह्यूमन रीडिंग्स। ओके, राइट? तो हमें वो बाल ही लगते हैं,
लेकिन बहुत सारी ऐसी प्राचीन किताबों में ऐसा वर्णित है कि हमारे सर के बाल में और हमारे पैर के अंगूठे में सबसे ज्यादा ऊर्जा रहती है। उदाहरण के तौर पे, आप किसी का पैर छूते हैं तो अंगूठा छूते हैं, राइट? अब कायदे से अंगूठा छूना चाहिए, लोग आमतौर पर घुटने उसे ऊपर से काम चला लेते हैं। लेकिन पैर का अंगूठा ही क्यों छूते हैं, मेरा ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं। I have no clue. उसी पर एक और सवाल आता है कि पैर का अंगूठा छूने पर जो सामने वाला इंसान होता है वो आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद क्यों देता है? वो आपके कान पर हाथ रखकर भी तो आशीर्वाद दे सकता है। Fair enough. तो क्या जवाब देना चाहेंगे एज अ नॉर्मल पर्सन? I don't know, अर्श, मुझे लगता है कि सर पे हाथ रखना क्रॉस कल्चर्स डिफाइन करता है, I mean, सिग्निफाई करता है कि आई केयर फॉर समवन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जवाब है पर उतना सैटिस्फैक्टरी नहीं है। उतना सैटिस्फैक्टरी नहीं है। एग्जैक्टली। कल्चरल ज्यादा है, रियलिस्टिक है कि नहीं मुझे नहीं पता। एंड दैट्स व्हाई इट्स पैरानॉर्मल। एंड सर पर हाथ इसलिए रखते हैं ताकि आपकी जो ऊर्जा है, ओके, आपने बहुत सारे भगवानों की तस्वीरें देखी होंगी जिनके हाथ सीधे हैं, फेस की तरफ होते हैं जो इंसान मूर्ति को देखता है, ताकि उस मूर्ति की पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले में जा सके। सेम हैपेंस जब आप किसी का पैर छूते हैं तो वो इंसान अपना हाथ रखता है आपके सर पे और वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपके सर पे ट्रांसफर करता है। लेकिन जब आप उसका अंगूठा छूते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बाल और अंगूठे में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है, तो जो इंसान भी पैर को छू रहा है उसे सामने वाले इंसान की एनर्जी महसूस होती है, मिलती है, और यही एक सिग्निफिकेंस है कि अंगूठा छूना चाहिए। और इसीलिए जो बड़े बुजुर्ग होते थे हमारे वो कहते थे घुटना नहीं अंगूठा छुओ। यहाँ पे अर्श आपने एक चीज बोली एंड ये ना एक थ्रू आउट माई लाइफ ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। सवाल ये है कि आपने अभी कहा पॉजिटिव एनर्जी, हाँ जी, जो ना एक जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी देंगे। Exactly. तो ये एनर्जी जो होती है, एनर्जी तो एनर्जी है। आपने भी कहा यू नो कि इलेक्ट्रिसिटी वायर का आपने जो एग्जाम्पल दिया, हाँ जी, तो ये एनर्जीज पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होती हैं? अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा एक बातचीत करना चाहें तो बताना चाहें तो। पैरानॉर्मल और नॉर्मल, आपने दो चीजें मुझसे पूछी थी, राइट? तो राहुल, अगर आप पैरानॉर्मल और नॉर्मल के बारे में पूछ रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में तो डिस्कस होना चाहिए। बिल्कुल। इस दुनिया में तीन चीजें हैं। आप किसी भी चीज का उदाहरण लेके देख लीजिए, अच्छाई, बुराई और शून्य, या फिर मैथ में प्लस माइनस और जीरो, या फिर किसी की तारीफ करी, किसी की बुराई करी, या फिर कोई भूत है, कोई भगवान है। एक कोट है, इफ गॉड एग्जिस्ट डेविल एग्जिस्ट देन देयर माइट बी अ न्यूट्रल एग्जिस्ट, इज इट सो? मे बी इन दैट सेंस। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने एक बात बोली ना कि आपकी प्रबल इच्छाएं अगर होती हैं किसी इंसान की मरते वक्त तो चांसेस आर कि उसकी आत्मा सैटिस्फाइड नहीं रहती, वो शायद एक शून्य पे विलीन नहीं हो पाती। तो ऐसा हाउ इज इट पॉसिबल? आई मीन अर्श, इस संसार में हर इंसान कोई ना कोई एक ना दबी हुई ख्वाहिश लेके जिंदा है। बिल्कुल। एक दबी हुई ख्वाहिश लेके शायद मर भी जाता है इस संसार में। फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कुछ लोग जो है भूत बनते हैं और कुछ लोग नहीं बनते? क्योंकि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यार हर कोई एकदम सेटिस्फाइड मौत मरता है। मुझे लगता है कि इच्छाएं तो रहती हैं। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है और आपका सवाल बहुत जायज है। आई गेस आपने जो सवाल पूछा है वो लाखों लोगों के दिलों में ये सवाल चल रहा है, क्योंकि मुझसे भी लोग ये सवाल पूछते रहते हैं। मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता है और वो जवाब है नियति, डेस्टिनी। डेस्टिनी, एग्जैक्टली। ये डेस्टिनी किस, अगर आप थोड़ा डेस्टिनी को एक्सप्लेन करना चाहें तो? डेस्टिनी को मैं आम भाषा में ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं वैदिक लैंग्वेज के हिसाब से अगर एक्सप्लेन करने पे आऊंगा शायद बहुत लोग ना समझ पाए। तो आम भाषा में एक लंबा सा रास्ता है जिसकी आखिरी मंजिल पर हमें कोई प्राइज मिलने वाला है, कोई इनाम मिलने वाला है। हम उस रास्ते के शुरुआती दौर में खड़े हुए हैं। ओके। अब हमें उस रास्ते पर चलकर जाना है Okay. आगे मंजिल तक, जो भी हमारी मंजिल है। लेकिन हमारे दोनों तरफ खाई है और हमारे पास जाने के लिए सिर्फ ये रोड है और कुछ भी नहीं। हाँ, साधन बहुत सारे हैं, जैसे कार है, साइकिल है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या कंफर्टेबल है। चलिए अब मैं इसी उदाहरण को लेकर आ जाता हूँ नियति के टॉपिक पे। ये जो सड़क है ये नियति है,
ये कभी नहीं बदलेगी, ये ऑलरेडी ऊपर से लिखी जा चुकी है। प्लस आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा हो कि जब सब कुछ लिख गया है तो कर्म करने की क्या जरूरत है? Exactly, फिर इंसान काम करेगा ही क्यों? उसका सीधा सा फंडा ये है कि जब तक, जो मैंने बताया कि ये सड़क है उसको उसकी मंजिल तक पहुंचना है उस इंसान को, तो जब तक ये इंसान कर्म नहीं करेगा, चलेगा नहीं, उस गाड़ी पे बैठेगा नहीं, कोई जतन नहीं करेगा, क्या वो अपनी मंजिल पे पहुंच पाएगा? पर ये जो मंजिल है, जिस मंजिल की आप बात कर रहे हो अर्श, ये इंसान तय करता है या ऊपर से कोई लिख के देता है कि तुम्हारी ये पर्पस है, तुम्हारी ये मंजिल है? अंतिम मंजिल तो मोक्ष है। हर इंसान को चाहिए होता है यार कि मरने के बाद उसे मोक्ष मिल जाए, आपने सुना होगा बहुत बार। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो नियति है ये तय है, लेकिन कर्म हमें करना चाहिए सो दैट उस नियति की सड़क पर हम बड़े आराम से जा सके। हम गिरेंगे, हम उठेंगे, हम फिर चलेंगे, लेकिन चलना कभी रुकता नहीं। आपने देखा होगा जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, ऊर्जाओं का भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, और यही डिफरेंस है पैरानॉर्मल और नॉर्मल में। लेकिन आत्मा का किसी शरीर में आना और झाड़ फूंक करके निकाला जाना, एग्जॉर्सिज्म, इज दैट रियल? क्या ये सच है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट ओनली ऑन 8 ऐप।